अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ दो दिन शेष हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के पांचवें दिन वास्तु पूजा की गई, विशेष अनुष्ठान किया गया। हर पूजा की अपनी विधि होती है, अपनी खासियत होती है। आज जो पूजा की गई उसके क्या मायने हैं सत्ता में, आज आपको इसके बारे में बताएंगे। राम भक्ति के रंग में रंग चुकी अयोध्या की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष सुरक्षा की बात भी होगी। अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में 12,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 10,000 सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए हाईटेक नजर रखी जाएगी। इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु में कई मंदिरों का भ्रमण किया, पूजा की, भगवान से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी के दौरे का सबसे खास रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर रहा, जहां पीएम का खास लिबास और खास अंदाज देखने को मिला। भक्ति में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में भी है। कैसे यहां के भारतवंशी राममयी हो चुके हैं ये भी आपको दिखाएंगे। इन देशों में भी जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का इन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। हत्या और रेप के दोषी राम रहीम को फिर से 50 दिनों की पैरोल मिल गई है। पिछले 4 साल में 245 दिन राम रहीम को जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली है। सवाल है, आखिर एक दोषी पर इतनी कृपा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? इन सवालों के साथ हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। आज कांग्रेस की न्याय यात्रा का 7वां दिन है। अरुणाचल प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने सभी सरकारी संस्थानों पर दबाव डाला है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ये यात्रा न्याय के लिए है और जारी रहेगी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मतभेद फिर से सामने आए। सीट शेयरिंग पर ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा कि अगर दूसरी पार्टियों को ज्यादा महत्व मिला तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के शुभ समय, शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है, पूरी दुनिया में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वर्षों का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा भक्ति, सबसे ज्यादा रौनक इस वक्त राम नगरी अयोध्या में। आज का दिन बेहद खास रहा। भगवान राम को विराजमान करने के लिए विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ आज विशेष पूजा की गई। आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का 5वां दिन है। आज अयोध्या राम मंदिर में वास्तु पूजा की गई। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वास्तु पूजा की तस्वीर की है। राम मंदिर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। आज गर्भगृह को सरयू नदी के पानी से धोया गया। इसके बाद वास्तु शांति के लिए विशेष पूजा की गई। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से शांति प्राप्त करने के लिए वास्तु शांति की जाती है, जिसका वास्तु शास्त्र में खास महत्व है। तो आज का दिन रामनगरी के लिए विशेष रहा। सुबह 9 बजे से शाम तक पूजा और अनुष्ठान चलता रहा। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मुख्य प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान है और विविध अधिवास में। आज श्री रामलला की मूर्ति को पहले शर्करा अधिवास और फलाधिवास से रखा गया। इसके बाद 81 कलशों में एकत्रित अलग अलग औषधि युक्त जल से स्नान कराएगा। किसी मूर्ति के अधिवास का अर्थ है उस मूर्ति को किसी विशेष पदार्थ में डुबोना। ये एक पवित्र अनुष्ठान है जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाता है। अधिवास के पीछे मान्यता है कि ये मूर्ति में किसी भी दोष या अशुद्धता को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अधिवास मूर्ति को पवित्रता प्रदान करता है और उसे देवत्व के लिए तैयार करता है। अधिवास के विभिन्न प्रकार हैं, इनमें से कुछ के बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। जलाधिवास, इसमें मूर्ति को पानी में डुबोया जाता है। मान्यता है कि ये मूर्ति को शुद्ध करता है और उसे जीवन शक्ति प्रदान करता है। अन्न अधिवास, इस अधिवास में मूर्ति को अनाज में डुबोया जाता है। मान्यता है ये मूर्ति को धन और समृद्धि प्रदान करता है। फलाधिवास, इसमें मूर्ति को फलों में रखा जाता है, ये भी समृद्धि से जुड़ा हुआ है। धृताधिवास, इस अधिवास में मूर्ति को घी में डुबोया जाता है। मान्यता है ये मूर्ति को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। अधिवास के बाद मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा वो अनुष्ठान है जिसमें मूर्ति में देवत्व का प्रवेश होता है।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति एक देवता के रूप में पूजी जाती है। कल भी अधिवास की प्रक्रिया जारी रहेगी। पूजा प्रतिदिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले चल रही है और आज क्या क्या पूजा हुआ है इसके लिए हमारे साथ पंडित विट्ठल महाराज जी हैं। पंडित जी एक बात बताएं कि आज कौन कौन सा अधिवास हुआ है, अगर हम बात करें भगवान का शक्कर अधिवास हुआ है शक्कर में, और फिर भगवान का हुआ है फलाधिवास, फलाधिवास के बाद भगवान का हुआ है प्रसाद स्थल। प्रसाद भगवान के विभिन्न प्रकार के प्रसाद थे वह भगवान के समक्ष रखे गए, इसके बाद भगवान का प्रसादाधिवास हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के पकवान प्रसाद पूरे संसार में बांटे जाएंगे। जितने भी देश के कोने कोने से भगवत भक्त इत्यादि आएंगे, वह जो बांटा जाएगा वह भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद से अधिवास हुआ, भगवान को प्रसाद दिखाया गया। पिंडिका अधिवास, पिंडिका अधिवास विभिन्न प्रकार के पिंड बना करके भगवान के समक्ष रखे गए और उनकी विधिवत पूजा की गई, षोडशोपचार राजोपचार जिसे कह लीजिए। इसके बाद भगवान का आज शाम को रात्रि में भगवान का पुष्पाधिवास होगा। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न प्रकार से पूजाएँ आज की गई। के बारे में बोलते हैं कि भगवान का विशेष नाता है छत्तीसगढ़ से, और उन्हीं नातों का है। देखिए यहाँ पे सारे बेर आए हैं और ये तमाम सारे बेर जो हैं वो भगवान को भोग लगाए जाएंगे, और ये एक तरीके से सबरी के जो नीचे बेर है उसकी यहाँ पे एक भावनात्मक प्रस्तुति है जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया है, और साथ में पौधा भी यहाँ पे लगाया गया है जिस पौधे को परिसर में लगाने की योजना है। शद दतिया राम लला राम लला को निहार के जुड़ाए छतिया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को पीएम खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम आ चुका है, वो 4 घंटे राम नगरी में रुकेंगे। सुबह 10:30 बजे विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सुबह 11 बजे राम मंदिर पहुंच जाएंगे, यहां 3 घंटे रुकेंगे। दोपहर 12:05 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे अयोध्या में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:15 बजे कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 8,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े संत, राजनेता, अभिनेता और अन्य लोग शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। असम में अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपने घर से बाहर रह रहे राम लला को पीएम मोदी भव्य मंदिर में विराजित करेंगे। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजित होने से हो रही। भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। और कभी आपने 400 किलो के ताले के बारे में सुना है? आज हम आपको उस विशाल ताले की तस्वीर दिखा रहे हैं जो आज अलीगढ़ से अयोध्या पहुंच गया। इसे दुनिया का सबसे विशाल ताला होने का दावा किया जा रहा है। इसे विशेष तौर पर भगवान राम के लिए बनाया गया है। इस ताले को अलीगढ़ के कारीगर सत्य प्रकाश शर्मा ने बनाया था। ये ताला 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। ताले का वजन 400 किलो है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चाबी का वजन 30 किलो है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूर्ण ताला सौंप दिया गया है। ये इतना विशाल है कि इसे उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा था।
अलीगढ़ में क्रेन से उठाकर गाड़ी में इसको रखा गया था, जिसके बाद अयोध्या लाया गया। बताया जा रहा है इसे अयोध्या लाने के दौरान रास्ते में लोग जय जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। कई जगहों पर राम भक्तों ने फूल बरसाकर ताले का स्वागत किया। तो अयोध्या में भक्ति के सैलाब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है वहां की सुरक्षा। ऐतिहासिक आयोजन को देखते हुए पूरे शहर को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या नगरी में मंदिर और आसपास ही नहीं पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। पुलिस के साथ साथ निजी एजेंसियों को भी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। अयोध्या में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटरिंग होगी। पहली बार सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और बदमाशों पर नजर रखने के लिए AI मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करके दिया है। डेटाबेस को AI टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया है। अगर मंदिर परिसर में कोई हिस्ट्री शीटर आता है तो महज कुछ सेकंड में ही कैमरे से उसकी पहचान हो जाएगी। दावा है यह डेटाबेस 99.7% की सटीकता के साथ काम करेगा। 100 में से एक अपराधी भी मंदिर के आसपास दिखता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा चोरी की गई गाड़ियों का भी डेटाबेस दिया गया है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR वाले कैमरे फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर लेंगे। फेस डिटेक्शन तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। अयोध्या और इसके आसपास लगभग 12,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 10,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां अलग अलग एजेंसियां रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही हैं। का राम मंदिर उन भक्तों के लिए बंद हो गया है जो नियमित भक्त थे, जो नियमित श्रद्धालु थे। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की वजह से इस तरीके से तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह निर्णय लिया और उस निर्णय को प्रशासन ने अमलीजामा पहनना शुरू किया है। आप हमारे सामने में जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि भक्ति पथ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो प्रोटोकॉल की आवश्यकताएं जो है सुरक्षा को लेकर आवश्यकता है वो सभी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी रखी जा रही है, AS चेक्स के माध्यम से भी रखी जा रही है। जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया है और सभी संभव आयाम हमने सुरक्षा के इसमें शामिल किए हैं और हम आश्वस्त हैं कि सभी कार्यक्रम सुरक्षित होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स का एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसमें कि जो सैकड़ों कैमरा जो कैप्चर करते हैं वीडियो, उस वीडियो में हम बहुत कम समय में आइडेंटिफाई कर पाते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसा असामाजिक तत्व उसमें दिखता है तो उसको छटाई करना हमारा सॉफ्टवेयर करता है, बाकी तो सब यूपी पुलिस। जो यहाँ पे काम हो रहा है, जो यहाँ का स्केल है, ये अभूतपूर्व है, ये अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि आने वाले 30 दिनों में ही करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करेंगे और उसके लिए जैसे जैसे टेम्पल ट्रस्ट हमको गाइडेंस दे रहा है वैसे वैसे तैयारी एसआईएस करेंगे। तो अयोध्या से अमेरिका तक प्राण प्रतिष्ठा का जश्न है। पूरी दुनिया 41 घंटे बाद होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रही है। ऐसे में रामलला की जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका निर्माण भी किसी तपस्या से कम नहीं है। TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको रामलला की प्रतिमा के दर्शन सबसे पहले कराए थे। दिव्य मुख वाले राम को देखकर राम भक्त भाव विभोर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक प्रतिमा को बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मैसूर के अरुण योगीराज मूर्ति बनाने का काम 2023 के मई जून में उनको मिला था। मई 2023 में देश भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट दिल्ली बुलाए गए थे, सभी ने प्रेजेंटेशन दिया। कुछ दिन बाद जब अरुण योगीराज मैसूर से अपने वर्कशॉप में काम कर रहे थे तभी उन्हें फोन करके दिल्ली बुलाया गया और बताया गया कि अरुण और दो कलाकारों को रामलला की मूर्ति बनाने के लिए चुना गया है, लेकिन यह तय नहीं था किस मूर्ति किसकी गर्भगृह में लगेगी। इसके बाद अरुण योगीराज और उनकी टीम ने अयोध्या की कार्यशाला में मंदिर निर्माण का काम शुरू, मंदिर की जो मूर्ति थी उसका काम शुरू किया। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए अरुण ने बच्चों की 2000 से ज्यादा फोटो देखी। प्रतिमा बनाने के दौरान अरुण को कई बार चोट लगी। एक बार पत्थर तराशने के दौरान नुकीला टुकड़ा टूटकर उनकी आंख में धंस गया, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। अरुण योगीराज दिन में करीब 15 से 18 घंटे लगातार काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि रात में सिर्फ 1 से 2 घंटे ही सोए, कभी कभी 21 घंटे तक भी लगातार काम किया।
अरुण योगीराज अयोध्या से अपने घर फोन पर बात कर सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल करने की इजाजत ना के बराबर थी। लगातार काम करने के बाद दिसंबर में प्रतिमा तैयार हुई और जनवरी के शुरुआत में अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा का चयन गर्भगृह के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की, जहां आज उन्होंने दो मंदिरों में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी पहले तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए। इसके बाद उन्होंने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के सुबह की शुरुआत श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के दौरान वेष्टि और अंग वस्त्रम पहना था। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्हें मंदिर के पुजारियों ने सदरी प्रदान की। इसके अलावा अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने जब हाथी को खाना खिलाया तो हाथी ने अपनी सूंड पीएम मोदी के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने हाथी को माउथ ऑर्गन दिया, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ा और बजाना शुरू कर दिया। गजराज से आशीर्वाद लेने के अलावा पीएम मोदी कम रामायण सुनने के लिए उसी जगह बैठे जहां कवि कंबन ने पहली बार रामायण का पाठ किया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ओर से पीएम मोदी को अयोध्या के राम मंदिर ले जाने के लिए भेंट भी दी। श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु का एक प्राचीन वैष्णव मंदिर है। इसे देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर इतना विशाल है कि इसमें यूरोप की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक शहर वेटिकन सिटी बस जाए, इतना बड़ा है। मंदिर का परिसर भी अपने आप में अद्भुत है। मुख्य मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु शयन मुद्रा में है और वहां पर शयन मुद्रा में विराजमान है। माना जाता है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर काल में 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में चोल, पांड्या, होयसाल और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने योगदान दिया था। श्रीरंगम मंदिर कावेरी और कोल्लिदम नदियों के संगम पर एक द्वीप पर स्थित है। श्रीरंगम मंदिर को बोलोगो वैकुंठम या पृथ्वी पर वैकुंठम के नाम से भी जाना जाता है। रंगनाथ स्वामी मंदिर चारों ओर से 7 परत में दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों की कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 50 दूसरे मंदिर हैं और 21 गोपुरम है। मंदिर परिसर में कुल 39 मंडप और 9 सरोवर हैं। मंदिर का मुख्य मंडप ऐरम काल मंडपम है। ये 1000 स्तंभों वाला एक विशाल हॉल है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों समेत कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थापत्य काल और गोपुरम के लिए मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ियन शैली में है। इस मंदिर की दीवारें काफी मजबूत किले जैसी हैं और नक्काशी से सजा गोरुपम बेहद खूबसूरत है। यहाँ के 4 स्तंभों पर भगवान विष्णु के 24 अवतार दिखाए गए हैं। इन स्तंभों को चतुर्विमष्टि कहते हैं। यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु का शयन मुद्रा वाली यानी लेटे हुए स्वरूप है। भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हैं। तमिल कवि कम्बन ने यहाँ पहली बार कंभ रामायण को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम के बाद पीएम मोदी रामेश्वरम पहुंचे। यहाँ उन्होंने रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। पीएम मोदी ने गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ पीएम मोदी ने पूजा पाठ और दर्शन से पहले समुद्र में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर रामायण पाठ में हिस्सा लिया और भजन संध्या में भी शामिल हुआ। पीएम मोदी जी ने दोनों मंदिरों की यात्रा पर एक हमने छोटी सी रील तैयार की है। इसमें आपको पीएम मोदी की दक्षिण भारत वाली मंदिर यात्रा की तस्वीरें नजर आएंगी। Thank you.
पीएम मोदी धनुषकोटि के कोदंड राम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वो धनुषकोटि के पास अरिचल मुनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। ये मंदिर श्री कोदंडराम स्वामी को समर्पित है। कोदंडराम का अर्थ है धनुषधारी राम। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। ये भी दावा किया जाता है कि यही वो जगह है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। अब सवाल है कि अचानक पीएम मोदी दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में क्यों जा रहे हैं। 20 दिनों में यह दक्षिण भारत की उनकी तीसरी यात्रा है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र है। आज पीएम मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर में पूजा की। दोनों मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी इससे पहले दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में कई मंदिरों में पूजा पाठ कर चुके हैं। तमिलनाडु की यात्रा से पहले पीएम मोदी केरल गए थे, वहां भी उन्होंने उन मंदिरों में पूजा अर्चना की थी जो भगवान राम से जुड़े हुए थे। और पीएम मोदी की धार्मिक यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो कर रहे हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले को बढ़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। यहां ईटानगर में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने मीडिया समेत सारी संस्थाओं पर दबाव डाल रखा है, डरा रखा है, इसलिए उन्हें जनता के बीच जाकर यात्रा शुरू करनी पड़ी। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए क्या क्या कहा। बेरोजगारी, महंगाई, सही है, जो आपका पैसा है, जो आपसे जीएसटी लेकर दिया जाता है, उसका फायदा आपको नहीं मिलता। सड़कों पे हम चल रहे हैं, खड्डे हैं, सड़क नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं। वैसे भारत न्याय यात्रा के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश से पहले असम के लखीमपुर में हमले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवा कांग्रेस के वाहनों पर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार रात हमला किया। युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई। लखीमपुर में राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले के लिए बीजेपी की आलोचना की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। और अब एक ऐसे बाबा की बात करते हैं जिस पर भगवान शिव की कृपा का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा खूब बरस रही है, धुआंधार कृपा हो रही है। ये बाबा है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हत्या और रेप के दोषी साबित होने पर उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम पर 2024 के पहले ही महीने में बम्पर कृपा बरसी है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम 50 दिनों की पैरोल पर एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा। इस बार भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए गए। अयोध्या उत्सव से ठीक 3 दिन पहले गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है और जेल से बाहर आते ही उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो संदेश जारी किया है। राम रहीम ने अपने अनुयायियों से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन को दिवाली की तरह मनाने का निर्देश दिया है। अभी पिछले साल ही गुरमीत राम रहीम नवंबर में ही 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था और अब नया साल शुरू होते ही उसने हर साल मिलने वाली छुट्टियों के नियम के मुताबिक एक बार फिर से 50 दिन की पैरोल हासिल कर ली है और जेल से बाहर आ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम पर कौन सी कृपा बरस रही है। वैसे राम रहीम दावा करता है कि वो चमत्कार करता है, लेकिन यहां तो उसी के साथ चमत्कार हो रहा है, वो भी पैरोल वाला चमत्कार। लोग पूछ रहे हैं अगर गुरमीत राम रहीम की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या उस पर भी इसी तरह कृपा बरसती। अब हम राम रहीम को लेकर जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फड़ लो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत का चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है।
गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है। उसे पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे के लिए पैरोल दी गई थी। अगर पिछले 4 सालों का गुरमीत राम रहीम का जेल से छुट्टी वाला इतिहास देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 2020 में एक दिन के लिए जेल से बाहर रहा, 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली, 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया, 2023 में 101 दिन जेल से बाहर रहा, 2024 में 50 दिनों के लिए जेल से बाहर। ऐसे में अगर देखें तो पिछले 4 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर खूब कृपा बरसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से अब तक वो कम से कम 245 दिन तक जेल से बाहर ही रहा है। राम रहीम को ऐसे पैरोल मिलती है जैसे वो कैदी ना होकर के विजिटिंग प्रोफेसर हो, कुछ समय जेल में होता है बाकी समय बाहर घूमता है। वैसे हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दावा है कि राम रहीम को नियम के मुताबिक ही जेल से बाहर जाने की इजाजत मिलती है, जबकि राम रहीम के विरोधी कह रहे हैं सरकार की कृपा कुछ ज्यादा ही बरस रही है, बाकी कैदियों पर इतनी कृपा क्यों नहीं बरसती। दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, एक ऐसे व्यक्ति को बार बार सलाखों से बाहर ला करके हवा खिलाया जाना जो कई बेटियों के साथ बलात्कार का दुराचार का आरोपी है और कई कत्लों के इल्जाम में सजा याफ्ता है। रोज 2 बार में ये उसकी मर्जी है, वो एक नहीं हमसे 24,000 कैदी हैं, सभी के लिए एज पर जेल मैनुअल मिली। आज सवाल यह है कि आखिर किसकी कृपा है जिसके चलते राम रहीम बार बार परोलवान बन जाता है और जेल से बाहर आने के बाद अपने मन मुताबिक चीजें करता है। क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है, क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो 4 बार फरलो और परोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 जनवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की पैरोल मिली थी और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे, जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की पैरोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी, उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जब लोकसभा चुनाव अब जब करीब आने वाले हैं उससे कुछ महीने पहले एक बार फिर से राम रहीम पैरोलवान बने कैसे। वैसे यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि अमूमन ऐसे मामलों पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन राम रहीम पर सभी पार्टियां खामोश हैं।